सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रही केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस नारे को बुलंद किया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत सभी वर्गों को सरकार ने आवाज देकर एक संदेश दिया कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,51,000 लाभार्थियों को 5,442 करोड़ की लागत से निर्मित आवासों का गृह प्रवेश, चाबी वितरण कार्यक्रम और लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में किया गया, जिसका सजीव प्रसारण आज मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में देखा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिले ने किया। इस अवसर पर बरेली से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जागरूकता का एक संदेश दिया। इस मौके पर जनपद स्तर पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अच्छा काम करने वाले लाभार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मानित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसी श्रृंखला में आज जनपद मुरादाबाद में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लाभार्थियों को, पीएम स्वनिधि की योजना के और आयुष्मान की योजना के लाभार्थियों को आज उनके चेक वितरण, कार्ड वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसी क्रम में सभी 75 जनपदों में जनपद मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर और ग्राम सभा मुख्यालय पर कार्यक्रम उसी पैदल चलाए जा रहे हैं, जिसमें इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे वार्ता की जा रही है, उनको जो भी समस्याएं हैं, जो एडवांटेज मिला है इस योजना से, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। योजना के बारे में सभी लाभार्थियों को बताया गया है और ये कार्यक्रम न केवल यहाँ जिला मुख्यालय पर पंचायत भवन में हो रहा है, बल्कि प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर, हर ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत भवन पर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें इन तीनों योजनाओं के लाभार्थियों ने आज प्रतिभाग किया है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो भी सभी लोगों को सुना। मुरादाबाद भी कितने लाभदायक साबित हुई है सभी योजनाएं सब। देखिए, अगर हम अलग अलग योजना वाइज बात करें तो आयुष्मान भारत में लगभग यहाँ के 15 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो लगभग 30,000 लोग यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं। अगर हम पीएम स्वनिधि की बात करें तो लगभग 26,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। तो ये इतने परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत होनी चाहिए, उस दिशा में कार्य करेंगे। जनपद मुरादाबाद में शासन के निर्देशों के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से 34 लाख आवासों का चाबी वितरण करा रहे हैं, गृह प्रवेश करा रहे हैं, इसके साथ साथ गोल्डन कार्ड वितरण करा रहे हैं तथा पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित कर रहे हैं। उसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके तहत 1800 आवासों का गृह प्रवेश आज विभिन्न ब्लॉकों में कराया जा रहा है। सभी ब्लॉकों में कार्यक्रम हो रहा है, सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हो रहा है और जनपद मुख्यालय पर कार्यक्रम हो रहा है। मुरादाबाद में कितने आवास? मुरादाबाद में अभी तक हमने 18,000 आवास निर्मित कराए हैं और 1800 आवासों का आज गृह प्रवेश विभिन्न ब्लॉकों में कराया जा रहा है।